नमस्कार बंधुरा आपनारा देखें टैकल 310 यूट्यूब चैनल। सो बंधुरा आज के तुम्हारे सामने नहीं गुरुत्वपूर्ण अपडेट जेटी क्या बांगला सहायकेंद्र मत किन्तु डाटा एंट्री ऑपरेटर पदे कर्मी नियोगे ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए। सो बंधुरा आपनारा जरा एखोनो पर्यन्त से अनलाइन करें ता अवश्य अनलाइन करबें क्यों हमें भिडियोते अपन के स्टेप बै स्टेप देखिए दीब जो कीभव अपनारा डाटा एंट्री ऑपरेटर आवेदन करबें। ठीक एक ही किन्तु उच्च माध्यमिक पासे अपनारा से आवेदन करार सुजोग पाच्छेन। सो बंधुरा आर बेशी देरी ना करे चलो भिडियोटी देखे नेवा जाक सेई डाटा एंट्री अपारेटरे किभावे आपनारा आवेदन करबेन। सो बंधुरा भिडियोटी शुरू करार आगे तुम्हारा जरा आमादेर चैनलटी सबसक्राइब करोनि तारा अवश्य चैनलटी सबसक्राइब करे आमादेर संगे थाकबेन। सो बंधुरा चलो भिडियोटी शुरू करा जाक। डाटा एंट्री अपारेटर ये डाटा एंट्री अपारेटर पदे किन्तु आवेदन चालू हो गेछे। सो बंधुरा आपनारा किभावे आवेदन करबेन देखते थाकुन ए भिडियोटी। सो बंधुरा सबार प्रथमे आपनारा एखाने डाटा एंट्री अपारेटरे क्लिक करबेन। क्लिक कर देवार पर नीचे आसबें। नीचे आसार पर एखाने आपनारा देखते पाच्छेन नेम एंड पार्सोनल डिटेल्स। नेम एंड पार्सोनल डिटेल्स आपनाके कि कि दिते हबे सबार प्रथमे दिते हबे आपनार नेम अर्थात अपना नाम जे नाम अपना रेजिस्ट्रेशन करार समय दिए से नाम अर्थात नाम ये अपना लिखते होना। एरपर रही है फादर नेम अर्थात अपना गार्जियन नेम अपना बाबार नाम ये लिखे दीबें जर बाबा नहीं तारा एखे मायर नाम लिखे दीते। सुबंधुरा नीचे आसबें नहीं पर देखते जेंडर अर्थात अपनी मेल फिमेल उभय क्योंकि इन्हें आवेदन करार सूझ पाचे अपनी इन्हें देखते तो मेल तरह ये दिए दिलम। एरपर डेट अफ बार्थ आपके अपना डेट अफ बार्थ एखे फिल आप कर देते हैं। सो बंधुरा डेट अफ बार्थ फिल आप कर देवर एखे मोबाइल नम्बर चाहिए मोबाइल नम्बर जेटी हे अपना रेजिस्ट्रेशन करार समय दिए मोबाइल नम्बर और मोबाइल नम्बर दीते हैं। एरपर इमेल आईडी इमेल आईडी आपने रेजिस्ट्रेशन करार समय दिए से कारण और इमेल आईडी देवार दरकार नहीं। तो बंधुरा आपनारा नीचे आसबें नीचे आसार पर ये अपना देखते परमानेंट एड्रेस अर्थात अपना एड्रेसटा एखे सम्पूर्ण फिल आप करते हैं। एड्रेसा फिल आप करते हैं सवार प्रथम एड्रेस लाइन अर्थात अपना भिलेज पोस्ट ऑफिस पिनकोड सह आपने अपना एड्रेसा लिखे दीते हैं। लिखे देवार पर ही अपना निजे आसबें ये देखते डिस्ट्रिक्ट आपनी जे डिस्ट्रिक्ट आवेदन कर पश्चिम बंगे 23 जिला अपना ये आवेदन करतेबेंट। सो बंधुरा जे डिस्ट्रिक्ट आवेदन करें दिए दीबें दिए दिल दिए देर पर पोस्ट ऑफिसटा लिखे दीब लिखे देवर पर आपनर पोस्टल पिनकोड पिनकोडा आपके लिखे दीते हैं। लिखे देवर पर नीचे आसबें नीचे आसार पर ये देखते रेसिडेंटियल एड्रेस रेसिडेंटियल एड्रेस अपना ये देखते कि बोले सेम एज परमानेंट एड्रेस अर्थात आपनर जो एड्रेसटी परमानेंट एड्रेसर साथे मैच होने अपना टिक्स बक्स क्लिक कर देवें तो हमें अटोमेटिक एगो सिलेक्ट हो जाए। एरपर नीचे आसबें नीचे आसार पर एखे क्वालिफिकेशन अपन क्वालिफिकेशन एखे अवश्य लागे क्वालिफिकेशन देवार आगे अपना एखे ये बक्से टिक कर देवें। टिक कर देवर पर सवार प्रथम सेकेंडरी अर्थात अपना की माध्यमिक पास जो पढ़े तरह एड्रेसटा एखे दीते हैं। एड्रेस बोलते सर्वप्रथमे अपना एखे माध्यमिक पास कर नाम लिखते हैं। एरपर कौन डी बोर्ड थे पास कर लिखते हैं। लेखार पर आपनारा इयार्स अफ पासिंग आपनी कब कत साले पास कर माध्यमिक से दीबें देवर पर सबजेक्ट आपनी कौन कौन सबजेक्ट आपनर छोटा दीबें। एरपर रही है मार्क अर्थात आपनी कत मार्क पे एरपर डिविशन एंड ग्रेड आपनी कौन ग्रेड पे ए बी प्लस सी सी प्लस से ही ग्रेड टाइम लिखे दीते हैं। लिखे देवर पर आपनारा नीचे आसबें नीचे आसार पर यह अपना देखते हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपके सवार प्रथम अपना नाम दीते हैं अपनी उच्च माध्यमिक पास करिखे दीबें। लिखे देवर पर आपनर जो बोर्ड थे पास करपर पासिंग इयार्स एरपर थे सबजेक्ट एरपर आप कत मार्क पे पार्सेंटेज से दीबें। एरपर डिविशन कौन ग्रेड पे दीबें देवर पर आपनारा देखते नीचे ग्रेजुएट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन अपना एखे नाम दीते हैं यूनिवर्सिटी नाम दीबें पासिंग कब कब आपने ग्रेजुएशन पास कर दीबें देवर पर सबजेक्ट दीबें एरपर कत मार्क पे दीबें एरपर आपनी कौन डिविशन पे दीबें देवर पर आपनारा नीचे जाबें। नीचे जावर पर देखते पोस्ट ग्रेजुएट इटा ना दी है एरपर एनी अदर क्वालिफिकेशन अर्थात आपनी जी अन्य क्वालिफिकेशन थे थे तो दीबें अन्यथा ना दीते। एरपर चले जाचे
prior work expression অর্থাৎ আপনি যদি আগে কোনো কোথাও আবেদন কাজ করেছেন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের জন্য তাহলে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে শেয়ার করতে পারেন অন্যথা নাও করতে পারেন তো নিচে আসবেন নিচে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাস্ট এন্ড ফাইনাল যেটি রয়েছে আপলোড ডকুমেন্ট ফাইল আপলোড আপনাকে সর্বপ্রথম এখানে কী কী আপলোড করতে হবে সেটা আপনারা দেখে নিন ক্যান্ডিডেটস ফটো আপনাকে সর্বপ্রথম একটি আপনার ফটো হাফ ফটো পাসপোর্ট সাইজের সেটা এখানে আপলোড করতে হবে এরপর রয়েছে সিগনেচার অর্থাৎ আপনাকে একটি আপনার ব্ল্যাক কালারের সিগনেচার লিখতে হবে এরপর রয়েছে 10 ক্লাস মার্কশিট অর্থাৎ আপনাকে মাধ্যমিকের মার্কশিটটা দিতে হবে আপলোড করে এরপরে আপলোড ক্লাস 12 মার্কশিট সেট অর্থাৎ আপনাকে এখানে 12 ক্লাসের মার্কশিটটা এখানে আপলোড করতে হবে এরপরে আপলোড আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনি যদি গ্র্যাজুয়েট পাস করেছেন সেই সার্টিফিকেটটা আপনাকে এখানে আপলোড করতে হবে এরপর হচ্ছে আপলোড গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনি যদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাস করছেন সেটা দিবেন অন্যথা নাও দিতে পারেন এরপরে আপলোড আদার কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনার যদি অন্য কোনো কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট থেকে থাকে তাহলে দিতে পারেন অন্যথা নাও দিতে পারেন তো এইভাবে আপনাদের কিন্তু ডকুমেন্টগুলো আপলোড করে নিতে হবে ডকুমেন্টগুলো আপলোড করে দেওয়ার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাবমিট সেই সাবমিট বাটনে ক্লিক করে আপনাদের ফর্মটা কিন্তু সাবমিট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা আবেদন করে নেবেন সো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমরা প্রতিনিয়ত এরকম নিত্য নতুন আপডেট কিন্তু আপনাদের সামনে পেশ করে থাকি ধন্যবাদ।